अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ पिज्जा सॉस या पास्ता सॉस की रेसिपी, जो आप घर पे बना सकते हैं और उसको 1 to 2 weeks तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक आप उसको बना के अपने फ्रिज में रख लें और जब भी आपको बनाना हो तो आप क्विकली पिज्जा के ऊपर वो लगा सकते हैं या पास्ता में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसमें एक स्मॉल साइज का प्याज चाहिए हमें। छोटे साइज के प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेना आपने। 4 टमाटर हैं, इनको मैं अभी ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से। यहाँ पे 6 क्लोव्स हैं उसकी लहसुन की, गार्लिक क्लोव्स आपने 6 लेनी है। और इधर स्पाइसेस में जो हमारे पास हैं जी, ये पिज्जा सीजनिंग या फिर इटालियन हर्ब्स हैं हमारे पास। इधर वो है पेपरिका पाउडर, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च या सिंपल लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। ये चिली पाउडर है, ये सॉल्ट है, और ये यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं। चिली फ्लेक्स मैंने 2 टेबल स्पून ली हैं। ये जो इटालियन हर्ब्स हैं ये 3 टेबल स्पून ली हैं। जो पेपरिका पाउडर है वो 1 टीस्पून लिया है। ये जो चिली पाउडर है ये भी 1 टीस्पून लिया है। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने यहाँ पे। सॉल्ट और पेपर ऑब्वियसली आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें जिस तरह से आप लोग खाते हैं। यहाँ पे 6 टेबल स्पून केच, ये 1 टेबल स्पून हमारे पास विनेगर है, और 1/2 कप के करीब इसके अंदर ऑयल डलेगा। अच्छा, इन केस अगर आपको इटालियन सीजनिंग्स आपके पास वाले ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिल रही है, जो इसमें ऑरिगैनो बेजल वगैरह होता है ये नहीं मिल रही, तो आप इसको जो ऑनलाइन एप्स वगैरह हैं या जो ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उधर से ये बहुत ईजिली मिल जाती हैं। ये 180 या 200 के करीब इस तरह का साइज होता है जिसमें ये मिलती है, और ये बहुत ज्यादा देर चलती है आपकी, तो आप ये मंगवा लें क्योंकि डिफरेंट चीजों में यूज होती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये मैंने ऑयल डाल दी है, इसके अंदर मैं प्याज और जो लहसुन था उसको डाल रही हूँ। और इधर ऑयल में हमने प्याज और लहसुन डाल दिया, और हमने इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, ना ही पिंक करना है ना ही ब्राउन करना है, बस इसके ट्रांसलूसेंट होने तक हमने इसको पकाना है। और फिर उसके अंदर टमाटरों को मैंने प्योरी कर लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये प्याज अब हमारे नरम होते हैं, अब हम इसके अंदर जो टमाटर की प्योरी बनाई थी ब्लेंडर में डाल के वो डाल देंगे। अब जितने भी जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे इसका पानी ख़त्म होने तक। ये मॉइस्चर को हमने ख़त्म करना है इसके अंदर से, और तब तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब ये बिल्कुल आप इसका देख लें, जब इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाए ये बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इसके अंदर टोमेटो केचप जो थी वो ऐड कर दूंगी। और ये टोमेटो केचप ऐड करने के बाद इसका कलर इतना वो ब्राइट हो जाता है ना, जैसे मार्केट वाली जो होती है ना पिज्जा सॉसेस, बिल्कुल उस तरह का इसका टेक्सचर और कलर आने लग जाता है। अच्छा, टमाटो केचप ऐड करने के बाद आप अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर दें। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस जब आपको लगे कि जो डिज़ायर्ड टेक्सचर है वो आ गया तो आप उसको छोड़ दें। और ये हमारी पिज्जा सॉस बिल्कुल रेडी है। अब एंड पे वो जो मैंने आपको विनेगर दिखाया था वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको आप स्टोर करके 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से अपने फ्रिज में रख सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।